Guys, question is, Ankita travels 40 km to her home partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 km by rickshaw and remaining distance by bus. And if she travels 4 km by rickshaw and remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of rickshaw and bus. So, rickshaw and bus ki speed x or y le lete hain. 2 km rickshaw se cover kiya to time kitna lagega? 2 by x. 12 किलोमीटर अगर किससे कवर होगा बस से तो 12 बाय बाय टोटल टाइम कितना लगा हाफ एन आवर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर रिक्शा से कवर होता टाइम हो गया 4 बाय 10 किलोमीटर डिस्टेंस बस से कवर होगा 10 बाय बाय पहले वाला टाइम से 9 मिनट ज्यादा लगता है तो 9 बाय 60 में ऐड हो जाएगा 13 बाय 20 दो ही क्वेश्चन में जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो उसको सिंपलीफाई करोगे ये 4 बाय कैंसिल हो जाएगा 12 टू द 24 जब इसको सॉल्व करोगे 14 बाय वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बाय 20 यहाँ से y की वैल्यू 40 आ जाएगी किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी इसका मतलब जो रिक्शा की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है और जो बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आ रहा है फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू